अब हो रहा है यार रिकॉर्डिंग। पिंकी का कैल्शियम टेस्ट है कल, जो हमने भेजी थी रिपोर्ट, कल नॉर्मल था और आज टेस्ट है। 2 दिन टेस्ट बोला डॉक्टर साहब ने, और फिर सैटरडे को डॉक्टर साहब से मिलना है। टेस्ट हो गया। तो फ्रेंड्स 8:15 बज चुके हैं, आज हम लोग सोते रह गए हैं 8 बजे तक। तो मैं बाहर आई हूँ वॉक के लिए, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है बूंदाबांदी, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, यहाँ पे ना बहुत ह्यूमिडिटी है और जिससे कि ना मेरे फिर इसमें नेक पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग दिन भर अंदर ही रहती हूँ मैं ना, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मौसम, आप देख सकते हैं बारिश हो रही है हल्की फुल्की बूंदाबांदी सी। तो आज की तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से, बोलने में तो मेरे को दिक्कत हो ही जाती है, जैसे मैं कंटिन्यूसली अगर बोलती हूँ ना तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती है, तो कंटिन्यूसली बोलने में तो मेरे को थकान हो जाती है। तो वैसे निकल आई थी बाहर, देखिए पपाया का पेड़ है शायद इस तरह से, तो ये देखिए सामने में भी होटल है, गाड़ियाँ चल रही थी। हम लोग यहाँ से इस वाली रोड में आगे तक जाते हैं वॉक के लिए, कल नहीं गए थे, कल रात को डिनर लेट किया था, उसके बाद ये लोग अलसा आ गए, कोई आया ही नहीं बाहर को। तो अभी सुबह के समय तो मौसम बहुत अच्छा, क्योंकि अंदर बैठे रहो ना पता ही नहीं चलता मौसम का, बिल्कुल मौसम दिन है रात है, बारिश हो रही नहीं हो रही कुछ पता ही नहीं चलता हमारे होटल के अंदर में, इस तरह से है देख सकते हैं सुबह का समय। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, 12 बज चुके हैं और हम लोग आज फिर जा रहे हैं वेदांता। एक्चुअली क्या है कि मेरा जो एलर्जी है ना, आज तो नहीं, हमको कल जाना था नेक का ही दिखाने के लिए, तो जो मेरे को एलर्जी हुआ है ना उसको, एलर्जी को भी आ रही है, लोग जब यहाँ आ ही गए हैं तो वो भी दिखा देते हैं। तो हम लोगों ने ओला से ऑटो मंगवा दिया, तो ऑटो आ चुका था जल्दी, मैं हो गई हूँ लेट, तो हम लोग निकल रहे हैं जो हाथ की एलर्जी है वो दिखाने के लिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, बैठ चुके हैं ऑटो में। आंखें गायब कर दूं, नीचे आंखें दिखाना बस, आंखें नहीं दिखाना, आगे आंखें भी गायब करके। तो चलिए मिलते हैं आगे, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के आते हैं ना, फिर बताएंगे क्या बताया स्किन स्पेशलिस्ट ने। तो आज स्किन वाले को दिखाना है, कल को फिर डॉक्टर जो थे, कौन से डॉक्टर थे मेरे, मैं उनका नाम भी भूल जाते हैं यार। नहीं, स्किन वाले नहीं, ये वाले दीपक सरीन, हाँ मिस्टर सरीन को कल दिखाना है। तो कल पता चल जाएगा कि हम लोग परसों नैनीताल आते हैं नहीं आते हैं। ओ माय गॉड, चलिए आगे मिलते हैं जाके हॉस्पिटल में। बट हॉस्पिटल में ना शूट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर, तो इसलिए पिछली क्लिप्स भी मेरी ऐसी कटी फटी सी आई थी, छोटी 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 सी क्लिप्स, क्योंकि अंदर बिल्कुल शूट करना अलाउड नहीं है। तो ये हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट विभाग में बैठे हुए ना, यहाँ पे शूट वूट करना वैसे अलाउड नहीं है, तो मैं ऐसे कर दे रही हूँ छोटा सा शूट। ये दोनों मोबाइल में बिजी है, मैं अपने शूटिंग में। मैंने ये पहना हुआ, ये वाला गाउन जो दागर H&M से लाई थी मेरे लिए, फाइनली मैंने पहन लिया आज। नेक का मेरा ये हाल है, इसका नेक बड़ा है ना, खुला सा है, तो ये इस तरह से। ये नीमा ने ना ऑपरेशन से पहले यहाँ पे मेहनत का धागा बांधा था, अब वो काफ़ी देर से ढूंढ रही हैं, उनको मिल नहीं रहा है कि कौन सा धागा था। तो देखिए हो, क्योंकि जो धागा बांधते फिर लोग खोलते भी हैं कोई कोई लोग, तो बाकी बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं, नीमा एक धागा खोल रही है, शायद मिल गया है उन्हें। तो फ्रेंड्स हम लोग ना डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद यहाँ आ गए थे कैफेटेरिया, हॉस्पिटल वाला जो कैफे वो है ना, क्या बोलते हैं, कैंटीन है ना इसमें। तो हम लोगों ने लंच ऑर्डर कर दिया है, तो बैठे हुए अब हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए, फिर लंच करेंगे। कल का लंच तो हम लोग होटल में ही मंगवा दिया था, जोमेटो से मंगवाया था, और शाम का डिनर हमारे को टोमो विमला लेके आए थे, बहुत ही टेस्टी यमी डिनर था कल। और उसके बाद फिर हमने उसमें सुबह ब्रेकफास्ट भी उसी से कर दिया था, और उस और भी काफ़ी सारी सब्जियां बची हुई है जो कि अब शायद ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि रूम हमारा एसी जो है बंद है आज। तो मैं फ़ोन पे ज़्यादातर ना बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो मैं माइक पे बोल रही हूँ तो आवाज़ आ जाएगी, जब फ़ोन पे बात करते ना ज़ोर से नहीं बोल पाती हूँ मैं, अभी तो मैं धीरे से बोल रही हूँ, तो फिर फ़ोन पे क्या कि आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी ना, इसी वजह से मैं फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। और इसमें माइक में बोल रही हूँ तो जो मैं धीरे से भी बोल रही हूँ तो वो आवाज़ आ जाएगी इसमें। तो ये कैंटीन यहाँ का,
बगल में कैफ़े है, ये कैंटीन है। जो ऊपर वाला कैंटीन है वो तो बड़ा वो है, हाई फाई सा। हॉस्पिटल वाला कैंटीन ये भी बहुत अच्छा सा है, इसमें भी खाना बहुत अच्छा सा ही मिल रहा है, टेस्टी सा खाना है। मैं एक बार मैंने खाया था जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था उससे एक दिन पहले, तो फिर आज फिर हम लोग आए थे तो हमने कहा यहीं पे खाना खा लेते हैं। तो बोलते नहीं ये करा टेस्ट करो, अगर हो जाता था प्राइवेट के हम लोग हाँ दिखा के एकदम से देखते पकड़ लिया स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के लंच वंच करके निकल आए वापस। तो मेरा जड़ से खत्म हो कंट्रोल हो जाता है, जड़ खत्म तो निकले हम लोग रूम की तरफ, मिलते हैं रूम में पहुंच के। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं क्या बोलते हैं, क्यों देख रहे हो आप? आपने आ रही है मुझे, सांस फूलती है ना बात करते हुए, और मैं ना बिना माइक के ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ ना, इसलिए मैं फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ। अब मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, वरना मैं कल तक तो फ़ोन मैंने किसी का भी अटेंड नहीं करा, क्योंकि मैं ना फ़ोन पे आवाज़ नहीं आती थी, इसका नहीं बोल पाती उस पर माइक पर, फिर भी थोड़ा सा तेज़ बोल रही हूँ। तो हॉस्पिटल से वापस आ गई थी ना, थक गई थी बहुत ज़्यादा, थक के फिर मैं सो गई थी, सो के अब उठी हूँ, फिर चाय वाय पी मैंने, चाय वाय पी के फिर मैं बैठी हूँ ऐसे टेक लगा के ना, तो मैंने सोचा आप लोगों को जो आज की वीडियो मैंने बनाई है उसके बारे में बता देती हूँ। आज से छोटी सी वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, ऐसा ही प्यार आप लोग बनाए रखिए। और हाँ, मेरे को बहुत सारे इसमें कमेंट्स आ रहे हैं पर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कमेंट के थ्रू ही आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो आप लोगों मेरे शीघ्र स्वास्थ्य की मनोकामना उसमें कर रहे हैं। उसको देख के मैं सच्ची में जल्दी जल्दी रिकवर कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हाँ कीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे अब शायद नैनीताल में ना, मैं नहीं डाल पा रही डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। कल भी मैंने कोशिश की थी ब्लॉगिंग करने की मगर वो नहीं पाया, मेरे से लोग ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये देख लीजिए काफ़ी मेरा ये जो है रिकवर हो गया, ये मतलब काफ़ी अच्छा हो गया, तो मेरे को ना कल मैं वो कर रही हूँ, कल फिर दिखाऊंगी डॉक्टर को, कल डॉक्टर को तो इस तरह से मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को ना। ये देखिए इस तरह से है, एक बार मैं नहाई थी तो हमने बड़ी मुश्किल से इसको बचाया था पानी से ना, पानी से बचा के से फिर नहाई थी मैं, ऊपर को यहाँ यहाँ तक दर्द हो रही है, ये पता नहीं ये पोर्शन दर्द कर रहा है, इसमें पता नहीं क्यों ना ये पोर्शन दर्द हो रहा है, ये सेल हुआ हुआ ना ये, तो ये सब दर्द मतलब यहाँ पे पता नहीं चल रहा था, ऊपर नीचे इधर दर्द हो रही है, ये सब दर्द हो रहा है, तो इस तरह से है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर दिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।